Hey guys, welcome to Ritika and Vishnu. Hope you guys are doing amazing. So आज basically हम जा रहे हैं, मैं और रितिका 5 महीने बाद एक हेयरकट के लिए जा रहे हैं. सो टुडे इज़ बेसिकली हेयरकट एंड चीट मील डे. सो वी आर गोइंग टू हैव अ हेयरकट एंड वी आर गोइंग टू हैव मैकडोनल्ड्स बर्गर आफ्टर दैट. सो रितिका, तुम क्या कराने वाली हो आज? या मैं भी हेयरकट कराऊंगी बिकॉज आई थिंक इट्स मोर देन 8 मंथ्स. और येस्टरडे हमारा क्वारंटाइन भी खत्म हो गया 28 डेज का, तो वी आर आउट नाउ. See, as you can see that strict measures have been taken, cleaning and everything has been done. After each haircut, they're cleaning up the seat and everything, so safety is at top notch. So getting a haircut done after 5 months, it's been too long, so let's see how it goes. So guys, finally we got our haircut done after 5 months. बहुत ही फ्रेश एंड लाइट फील हो रहा है. एंड अभी अब से वीडियोज़ में टोपी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो वी आर डन विद द हेयरकट. अभी वी गॉट इट डन इन जाजीज. इफ़ यू आर इन कोल्लम केरला, यू कैन गेट इट डन हियर. इट्स द प्लेस इज सिंपली अमेजिंग. एंड इवन यू कैन सी दैट सेफ्टी मेजर्स एंड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ. So now the next stop is a cheat meal. Like we said, today is the day for haircut and cheat meal. So let's go, let's see that what's the cheat meal. So guys, हम लोग finally आ गए हैं McDonald's अपने cheat meal के लिए. Super excited. ये है रितिका का वेज, क्या ये? हाँ, मैक वेजी. और ये है मेरा मैक चिकन बर्गर, मैक चिकन स्पाइसी बर्गर, वहाँ फ्रेंच फ्राइज, यहाँ 4-piece चिकन एंड कोक टू गो विथ. तो एक्साइटेड गाइस, अब आपसे मिलेंगे हम घर जाकर. सो ये चीट मील के बाद, तो लेट्स एंजॉय द चीट मील एंड उसके बाद हम बताएंगे कि चीट मील क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं. सो स्टे ट्यून्ड. 3-4 मंथ्स. रितिका भी अपना वेज बर्गर एंजॉय कर रही है. टेक्निकली इसको मैं बर्गर मानता नहीं हूँ. सो गाइस, हम लोग अपना चीट मील इससे एंड कर रहे हैं. यस, बहुत पेट फुल हो गया है. बर्गर, चिकन एंड फ्राइज वगैरह सब खा के अब लास्ट है आइसक्रीम. इसके बाद हम घर जाएंगे और आपको बताएंगे कि चीट मील ज़रूरी है या नहीं. सो गाइज, वी आर बैक फ्रॉम आर चीट मील. सो आज हम आपको समझाने वाले हैं डिफरेंस क्या होता है एक चीट मील में और एक रीफीड डे के बीच में. चीट मील होता है जिसमें आप अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट नहीं करते हो. आप ये नहीं देखते हो कि आप कितना कैलोरीज ले रहे हो. एंड इनफैक्ट आप ये भी नहीं देखते हो कि आप कितना कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन एक पर्टिकुलर मील में ले रहे हो. एंड गाइज, रीफीड डे होता है जिसमें आप डेलिबरेटली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को ओवरफीड करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 1800 कैलोरी या 2000 कैलोरीज पे हो एंड आप अपना फैट और प्रोटीन का इंटेक ऑलमोस्ट उतना ही रखते हो जितना आप नॉर्मल डेज में रख रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो अगर आप 200 ग्राम्स ले रहे हो तो मे बी आप 300 या 400 ग्राम्स उसको कर देते हो, डबल या ट्रिपल अप कर देते हो उसको. दैट्स कॉल्ड अ रीफीड डे. एंड रिफीट डे का इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि इट बूस्ट्स योर लेप्टिन लेवल्स. अगर आप बहुत दिनों से डेफिसिट पे हो या कट पे हो तो ये रिफीट डे आपको बहुत हेल्प करता है. सो गाइज, ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स लिटरली बूस्ट योर बॉडी विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. एंड गाइज, चीट मील हेल्प्स यू टू डील विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट यू फेस वाइल डाइटिंग. लाइक इफ यू आर डाइटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन चीट मील हेल्प्स यू. लाइक सपोज इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, लाइक हमने पहले भी बताया कि मैकडोनल्ड्स मेरा फेवरेट है, तो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गए थे हमें खाए हुए, तो हमें मन था, तो फिर वी प्लान्ड अ चीट मील और आज हम लोगों ने एक मील लिया बाहर में, तो इट इज़ हेल्पिंग अस क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट लाइक डाइटिंग एंड ऑल करते रहते हैं, तो फिर एक बीच में एक चीट मील हेल्प करता है टू टैकल द साइकोलॉजिकल इश्यूज. Yeah. So, but guys, if you ask me honestly, what would I prefer, a cheat meal or a refeed day? I would obviously prefer a refeed day over a cheat meal day, because cheat meal में आप अपने goals से जो macronutrients होते हो उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हो. सो गाइज, होप आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन. और गाइज, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. सो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
बाय बाय।